तो इस फिल्म में एक बहुत ही प्योर एक इनोसेंट जो पहला प्यार होता है ना इट वॉज अबाउट दैट सो फर्स्ट लव और पहला जो प्यार होता है उसकी जो एक इनोसेंस होती है प्योरिटी होती है उसको हम दर्शाने की कोशिश किया इसमें आई थिंक सो की था कि कास्टिंग एंड सेकेंड था कौन सा गाना यूज़ करें तो फाइनली वी डिसाइड ऑन ए किशोर कुमार सॉन्ग एक हसीना से एंड उस गाने के ऊपर दिन इसको फिल्माया गया और रिगले और डबल मिंट और हमारी जो एजेंसी है BBTO इनके साथ मिलकर इसको प्लान किया गया और मैं और मेरी कंपनी राइजिंग सन फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया और मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग किया इस फिल्म का वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए हैं अभी और बस ये लड़की जो इसका नाम है बनीता है लड़का सौरभ जिस तरह की आप फिल्में बनाते हैं हार्ड हिटिंग फिल्में तो वो ज़्यादा आसान होता है कहानी कहने के लिए कि ये लव स्टोरी ज़्यादा आसान थी आपके नहीं वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है लव स्टोरी बनाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लव स्टोरी में जो दिल की जो इतनी प्योरिटी जो चाहिए होती है ना वो थोड़ा ध्यान से समय से प्यार से निकलता है इसीलिए आई थिंक लव स्टोरी बनाना बहुत डिफिकल्ट है जैसे कि आपने कहा कि आप फ्यूचर में लव स्टोरी बनाना चाहेंगे तो ऐसी कोई कहानी है जो आपके जहन में हो या फिर हाँ वो कहानी है लेकिन तेरे को बताऊंगा नहीं वो कहानी में है मेरे कहानी जहन में लव स्टोरी बनाने का और जल्दी बनाने वाला हूँ मैं कहानी लव स्टोरी कौन होंगे उनके एक्टर आपके दिमाग में रोमांटिक लगे यार मतलब बॉलीवुड में से कौन एक्टर और एक्ट्रेस जो रोमांटिक है बहुत है हमें नई नई पीढ़ी में से सब बहुत से लोग हैं रणबीर है वरुण है दीपिका इज देयर आलिया इज देयर बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक जो रोमांटिक फिल्म के लिए मैं करना चाहूँगा इरफान के साथ भी मैंने किया अभी पीकू में पहले आपकी पिंक पहले पीकू आई है फिर पिंक और दोनों पी नाम से दोनों बहुत हिट गई है मूवी तो यार रोमांटिक मूवी जो बनेगी वो पी नाम से होगी या कोई डिफरेंट होगा उस नहीं नहीं यार वो ऐसा पी नाम मैंने कोई जान मुझ के थोड़ा ही रखा था देन ऑल्सो मतलब ऐसे ही वो पी नाम आ गया था यार वो तो नाम रखने के बाद पता लगा पी और पी है बट उसके साथ कुछ ऐसा जैसे नहीं है पी के साथ कुछ नहीं है बट करूँगा कुछ हिट गई तो मुझे मालूम नहीं लेकिन लोगों को बहुत पसंद आई पिंक इतना प्यार मिला है नो मीन्स नो इतना मतलब पावरफुल लाइन है इसको लोगों ने अपनाया है और मैं चाहूँगा कि इसको लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो मुझे मेरी हिट फिल्म तभी मुझे मज़ा आएगा बोलने में पैसों के माध्यम से नहीं बट अगर लोग इसको एक्चुअली अपनाएं और रेस्पेक्ट दें अपने महिलाओं को घर पे बाहर जहाँ भी हो बहुत 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 स्पेशल फिल्म है पिंक पिंक को जो इतना प्यार मिला है आप समझेंगे नहीं मानेंगे नहीं कि अभी भी मेरे को ट्विटर में फेसबुक में घर पे ऐसे चिट्ठियाँ आते लोग जार जार रोते हुए बाहर आते हैं और शायद पहली बार होगा कि एक फिल्म जिसको टेलीविज़न में भी जब चल रही है प्रीमियर हो रहा है और हॉल में भी चल रही है शायद पता नहीं मुझे और कोई फिल्म ध्यान नहीं है कि ऐसा कब हुआ था कि फिल्म हॉल में भी है और मेरी फिल्म हॉल में है और आज फिल्म का प्रीमियर भी है दंगल का ट्रेलर रिलीज़ हो गया तो आपको कितना ट्रेलर आपने देखा और आपको कितना पसंद आया मैं बहुत अच्छा लगा लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें जो लड़कियां हैं बहुत जेन्युइन लगी मुझे सुल्तान से कहीं रिलेट नहीं करती ऐसा नहीं लगता मैंने पूरी तरह दूसरे फिल्म देखा नहीं है मैं बहुत सारी फिल्म इस साल पिंक में बिजी था इसलिए देख नहीं पाया बहुत कम ही फिल्म देख पाया लेकिन मुझे ट्रेलर देखा दंगल का अच्छा लगा थैंक यू सो मच थैंक यू सर लास्ट क्वेश्चन सर जैसा कि आपने बोला कि फीचर फिल्म बनाना वो शॉर्ट मूवी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो सर आप एक बार ऑडियंस को बताएंगे कि फीचर फिल्म जब भी लंबी होती है वो ईजियर होता है अगर आपको कम समय में एक मैसेज कन्वे करना हो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या है ईजियर तो कहीं भी नहीं होता चाहे शॉर्ट फिल्म में फ़ायदा ये होता है कि एक है 30 सेकंड में कमर्शियल बोलना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि 30 सेकंड में इतनी बड़ी स्टोरी कह जाना कैरेक्टर से उनके कॉस्ट्यूम से कहानी से वो टफ इसलिए होता है कि समय कम है और आपको एक ही मतलब नज़र में आपको समझा देना है कि ये क्या क्या आया विद डिफरेंट लोग हैं क्या किस तरह के ये मतलब कैरेक्टर्स हैं क्या बोलना चाहते हैं क्या इमोशन है और उसमें आपको इमोशनल भी करना है आपको प्रोडक्ट भी बोलना है कहानी बोलना तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता है आई थिंक बट आई थिंक क्राफ्टिंग इसमें रियल क्राफ्टिंग का काम आता है सो एड में सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि यू कैन लर्न अ गुड क्राफ्ट